जब आम आदमी MRP पे खरीद करता है तो किसानों को MSP क्यों नहीं? पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है, पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। सरकार जो कहेगी वो पुलिस को करना मजबूरी है, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है। नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ उत्कर्ष कुमार। हमारे पीछे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की एक हुजूम निकला हुआ है जो राजभवन के खिलाफ के लिए आया था, हालांकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन लगातार, मिजोल के बाद हमसे दिखाना चाहिए, पुलिस प्रशासन लगातार बोल रही है कि आपको परमिशन नहीं मिला है, आप वापस चले जाएं या फिर यहां संज्ञान दें। हमारी मांगे हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और देश की जो अन्नदाता किसान है उसको व्यापारी के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। MSP क्यों नहीं किसानों को? जब आम आदमी MRP पे खरीद करता है तो किसानों को MSP क्यों नहीं? और पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है, पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। सरकार जो कहेगी वो पुलिस को करना मजबूरी है, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है। बिहार के छात्र लाखों बेरोजगार जो रोजगार की मांग, कहाँ से आए आप, आए कहाँ से? क्या हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और गौतम आनंद जन अधिकार छात्र परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर लोग जो हैं वो लगातार हुजूम बना के यहाँ पुलिस से झड़प कर रहे हैं और लगातार बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है पटना पुलिस द्वारा, जो कि इन लोगों को रोकने के कोशिश कर रही है। हालांकि देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।